उन वेव्स की अगर हम बात करें तो वो सुपर इम्पोज कर जाएंगी एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का ऑन द स्क्रीन दैट टेक्स प्लेस. सो वी से द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है इट इज डिफाइंड एज द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन बेटे जो हो जाएगी दो सोर्सेज ऑफ लाइट से, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट से जो रे आ रही है, इस चीज को आप बोल देते हो बेटे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. बेटे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बेसिक थ्योरी स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं. 11th स्टैंडर्ड में हमने एक बेटे रिजल्ट किया था, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या फर्क है. जो पाथ डिफरेंस है बेटा किसी भी दो वेव्स के बीच में, दिस इज इक्वल टू बेटा लेमडा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई द फेज डिफरेंस बिटवीन द सेम टू वेव्स ऑफ लाइट. दो वेव्स किसी सोर्स, दो कोहरेंट सोर्सेस से आ रही हैं, उनके बीच में पाथ का डिफरेंस और फेज का डिफरेंस इस तरीके से बेटे दोनों रिलेटेड होते हैं. इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है बेटा. तो आइए बेटे अब कंसंट्रेट करें, बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है. बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस की बेसिक थ्योरी को अच्छे से समझने के लिए इमेजिन दैट कि आपके पास दो इंडिविजुअल लाइट वेव्स हैं. फर्स्ट वाला आपके पास Y1, इट इज ए साइन ओमेगा टी. ए इज द एम्पलीट्यूड, Y1 इज द डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा आपको दे देगा बेटा फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वेव की जो पहले सोर्स से आपके पास, कोहरेंट सोर्स से आपके पास नंबर 1 से आ रही है. सेकंड आप इमेजिन कर लीजिए जो वेव आपके पास आ रही है इट इज बी साइन ओमेगा टी +5. इसमें सेकंड वेव में अगर आप देखें ध्यान से, आपका एम्पलीट्यूड पहली वेव के जितना नहीं, एम्पलीट्यूड में चेंज आ गया है और फेज इन दोनों के बीच में, ये बेटे फेज होता है ओमेगा टी और यहाँ पे ओमेगा टी +5, इट विल मीन दैट कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 5 के बराबर एग्जिस्ट कर रहा है और ये कॉन्स्टेंट है. सो दीज आर द टू लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम द टू कोहरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. बेटा जब इनका सुपर इम्पोजिशन होगा वाई विल बी इक्वल टू Y1 +Y2, इट विल बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी +बी साइन ओमेगा टी +5 हो जाएगा बेटा. इसको आप जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ए साइन ओमेगा टी, तो चलिए ऐसे ही रह जाएगा, इसको आप हटा सकते हैं. साइन ए +बी इज साइन ए कॉस बी +कॉस ए एंड साइन बी. बेटे ये चीज आपके पास जो है मिल जाएगी. अब आप इसको बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए इन द इंटीरियर, इट विल बी ए साइन ओमेगा टी +बी साइन ओमेगा टी +5 +बी कॉस ओमेगा टी एंड साइन 5. इनको टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं. रीअरेंज करने पे आपके पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वाई है इट विल बी इक्वल टू, देखिए साइन ओमेगा टी इन दोनों में से कॉमन एडजस्ट किया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है. सो वी विल बी गेटिंग ए +बी cos 5 एंड इट इज योर साइन ओमेगा टी +बी और साइन 5 एंड इट इज योर cos ओमेगा टी टर्म एज सच आपके पास बच जाती है. अब इसको
फर्दर सॉल्व करने के लिए बेसिक थ्योरी में पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस वगैरह निकालने के लिए लेट अस कंसंट्रेट व्हाट वी कैन डू। इसको ब्रैकेट क्वांटिटी को आप आर कॉस थीटा कह सकते हैं और यू कैन से दैट लेट ए प्लस बी कॉस फाई ये वाला जो है इट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और ये बी साइन फाई जो है इट इज आर साइन थीटा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको ऐसे पुट क्यों किया, व्हाट इज द रीजन, इसको फर्दर सब्स्टिट्यूट करने में क्या हमें फायदा है, बल्कि इसमें तो आर भी नहीं हमें पता थीटा भी नहीं पता, तो फिर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। हम बेटे अपनी इक्वेशन को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म देने के लिए ये जो काफी स्कैटर्ड लग रही है और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को शॉर्ट फॉर्म में इमेजिन करने के लिए हम ये सारा कर रहे हैं, हम आर को भी वर्कआउट कर लेंगे थीटा को भी कर लेंगे। सो आइए देखें फर्दर, वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड साइन ओमेगा टी प्लस इट इज आर साइन थीटा एंड कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। आर को आप कॉमन ले सकते हैं, इट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आ जाएगा और वाई आपके पास आ गया जी आर साइन ए प्लस बी, ये आपके पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बच्चों कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको मिल गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि आपको आर का नहीं पता आर क्या है, आपको थीटा का भी नहीं पता, आप ये जो दोनों इक्वेशंस हैं बेटा इनका स्केयर करके इनको ऐड कर लीजिए आपको आर मिल जाएगा। इसका स्केयर करोगे आप तो यू विल बी गेटिंग ए स्केयर प्लस बी स्केयर कॉस स्केयर फाई प्लस टू ए बी कॉस फाई इट इज इक्वल टू आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा। नीचे वाली इस इक्वेशन का भी स्केयर कर लीजिए, ये आ जाएगी बी स्केयर साइन स्केयर फाई इट इज इक्वल टू आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। इनको बेटा दोनों को आप ऐड कर लो इक्वेशंस को, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ए स्केयर एस सच आ गया बी स्केयर इंटू कॉस स्केयर फाइव प्लस साइन स्केयर फाइव विल बी वन, इट विल बी सिंपली बी स्केयर प्लस टू ए बी कॉस फाइव और इन द एंड ऑन द राइट हैंड साइड ये साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा विल बी यूनिटी, इट विल बी इक्वल टू सिंपली आर स्केयर और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपके पास जो है ये बच्चों बन गया ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर टू ए बी कॉस फाइव। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट दिस आर डिटेल। आर कैलकुलेट करने के साथ ही साथ आप बेटे थीटा भी अपना निकाल सकते हो, बिकॉज आपको थीटा नहीं पता था, आप इक्वेशन नंबर जो सब्स्टिट्यूशन की है आपने ये वाली इसको ऊपर वाली से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा इट इज इक्वल टू बी साइन फाई अपॉन ए प्लस बी कॉस फाई। आर से आर कट गया, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा इट इज बी साइन फाई अपॉन ए प्लस बी कॉस फाई एंड थीटा इट इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन फाई अपॉन ए प्लस बी कॉस फाई। थीटा आपको पता चल गया, आर आपको पता चल गया और ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपके पास निकल आया है ऑलरेडी बेटा। अब बेटे यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा कंसेप्ट सामने आता है कि एम्पलीट्यूड तो चलिए आपने निकाल लिया, अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितना होगा, आई कितना होगा। यू नो दैट इंटेंसिटी जो है ये एम्पलीट्यूड के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या इंटेंसिटी इज इक्वल टू के इनटू एम्पलीट्यूड का स्केयर और एम्पलीट्यूड आपका यहाँ पे आर है,
आर का स्क्वायर आप ये पुट कर दीजिए, आपके पास इंटेंसिटी आई बन जाएगी के पहले का मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बी का स्क्वायर टू ए बी कॉस ऑफ एंगल फाइव बटा। सो आपकी स्क्रीन पर, आपने जिस स्क्रीन पर सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल प्रूव किया है वहां पे ये आपका बेटे जो है ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बाद रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट आपको मिल गया। अब ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट को व्यू करके आप देखिए कि क्या आपका मैक्सिमा बनता है या क्या आपका मिनिमा बनता है। अगर मैक्सिमा या मिनिमम किस तरीके से बनता है तो, और उसके लिए आपके पास कंडीशंस जो हैं वो कौन कौन सी होंगी। सो आइए इसको बेटे व्यू करके देखें हाउ वी कैन गो फॉर विद दिस conditions of maxima and minima over here. Let us concentrate. We have with us furthermore beta conditions for constructive and destructive interference. Conditions for constructive and destructive interference. Constructive interference ये कब होगा? Constructive का मतलब है जब आपका क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल कर रहा है, उस केस में एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट जो है दैट शुड बी मैक्सिमम। और आप कहोगे कि बिकॉज आई आपका के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ एंगल फाई के बराबर था, ये आई जो है इट विल बी मैक्सिमम इफ एंड ओनली इफ ये कॉस ऑफ एंगल फाई आपका मैक्सिमम हो जाए और इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन होती है, और ये तभी होगी अगर पाई आपका जीरो हो जाए, टू पाई फोर पाई सिक्स पाई सो ऑन, और ये आपका टू एन पाई के बराबर अगर आप पाई मैनेज कर लोगे तो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा वहां पे बन जाएगा। ये रिजल्ट आपका फेज डिफरेंस की फॉर्म में है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस, तो कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस जो है बेटा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन टू पाई इनटू फेज डिफरेंस। आपने अभी अभी रिलेशनशिप की बात की थी कि किस तरीके से दोनों रिलेटेड हैं। सो पाथ डिफरेंस की टर्म्स में कंडीशन क्या बन गई, लैम्डा अपॉन टू पाई इनटू फेज डिफरेंस इज टू एन पाई, टू पाई से टू पाई कट गया, path difference is equal to n times the wavelength lambda. So बेटे आपके स्क्रीन पर मैक्सिमा बन जाए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, उसके लिए दो कंडीशंस हैं, एक कंडीशन है दो फॉर्म में, एक है पाथ डिफरेंस, दूसरा है फेज डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस दोनों आपकी जो वेव्स हैं इनके बीच में 2n पाई के बराबर है तो आपका मैक्सिमा बनेगा, अगर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर है तो भी आपका मैक्सिमा ही यहाँ पे बन रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर विद द कंडीशन ऑफ द मैक्सिमा। इसके बाद बेटे हमारे पास मिनिमा की कंडीशन क्या है, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट पार्ट आल्सो। मिनिमा कब बनेगा और उसकी कंडीशन क्या है? सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि मिनिमा कब बनेगा। अगेन ये आपके पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, ये मिनिमम तब होगी अगर आपका कॉस फाई मिनिमम हो जाएगा और कोई फैक्टर आपके कंट्रोल में है ही नहीं है, ए ऑलरेडी फिक्स्ड है, बी ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो अगर आपका जो बेटा फाई है ये रादर कॉस फाई जो है ये मिनिमम हो जाए तो आपका मिनिमम बनेगा, इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस वन होती है, ये तब होगी
अगर आपका फाई जो है यहाँ तो पाई के बराबर आ जाए, या थ्री पाई आ जाए, या ये फाई पाई आ जाए, सो ऑन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ के बराबर अगर ये है तो आपका बेटे यहाँ पे मिनिमा जो है ये बनेगा। आप इसको जनरलाइज फॉर्म में 2n प्लस 1 इंटू पाई भी लिख सकते हो, ये आपका फेज डिफरेंस मिनिमा की फॉर्मेशन के लिए। एंड कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस कितना आएगा, दैट विल बी लैम्डा की टर्म्स में आपको निकालना है। सो पाथ डिफरेंस जो है दैट विल बी योर लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n प्लस 1 इंटू पाई, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा एंड पाथ डिफरेंस फिर बन गया बेटे 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। दिस इज द कंडीशन फॉर द मिनिमा इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस बेटा। सो डियर 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 चिल्ड्रन बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की ये तो बेसिक थ्योरी थी, बेसिक थ्योरी के बाद हमारे पास इंटरफेरेंस की जो बेटे सेटअप है इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वो क्या है और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कैसे होता है। आइए बच्चों कंसंट्रेट करें, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यहां से आपको बेटे श्योरली एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर मिलेगा, मे बी 5 मार्क्स में आ जाए, मे बी 3 मार्क्स में आ जाए, बट ये बात पक्की है कि आपको क्वेश्चन यहाँ जरूर मिलेगा एक इस केस में बेटा। सो वी हैव यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका बेटे मैं सेटअप आपको आज समझा देता हूँ, बाकी फिर फ्रिंज विड्थ वगैरह बाद में निकाल लेंगे, फिर आपके लिए भी काम ज्यादा हो जाएगा अदरवाइज। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के सेटअप में डियर चिल्ड्रन आपको एक ये सोर्स ऑफ लाइट एस दिया जाता है, इस सोर्स ऑफ लाइट के ठीक सामने आपने एक स्क्रीन प्लेस किया और स्क्रीन का आप इस तरीके से स्क्रीन ड्रॉ कर सकते हो, दिस इज द स्क्रीन प्लेस डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ दिस सोर्स ऑफ लाइट। और बच्चों आपने इस सोर्स के बिल्कुल सामने दो फाइन स्लिट्स बना रखी हैं, एक स्लिट आपका यहाँ पे S1 और एक स्लिट आपका यहाँ पे S2, ये दो स्लिट्स आपने इसके सामने रखी हुई हैं, दो फाइन होल्स हैं आप ऐसे समझ सकते हो। अब क्योंकि ये दोनों एक ही सोर्स से लाइट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये दोनों कोहरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कहलाएंगे। ये अगर डायरेक्ट आप डिस्टेंस देखो डियर चिल्ड्रन तो ये यहां तक जो है ये कैपिटल डी कहलाता है, स्लिट्स से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस, और ये स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है स्मॉल डी कहलाता है, और ये कुछ इस तरीके का आपका ये सेटअप हो जाएगा। यहां पे हम कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी ले लेते हैं ऑन द स्क्रीन, इस पी पॉइंट पर एक रे ऑफ लाइट जो S1 से पहुंच रहा है ये ऐसे आ जाएगा P पॉइंट पे, और जो S2 से यहाँ पे पहुंच रहा है रे ऑफ लाइट इट विल बी कमिंग लाइक दिस बेटा इन दिस मैनर। सो डियर चिल्ड्रन इस पॉइंट को मैं O बोल देता हूं, ये डिस्टेंस मेरा जो है ये इमेजिन कर लीजिए X के बराबर का है, तो ये आपका D बाई 2 वन हाफ ऑफ द स्लिट विड्थ, और ये भी आपका d by 2 के बराबर आ जाएगा। तो ये आपका बेटे डायग्राम का डिस्क्रिप्शन है। बेटे डियर चिल्ड्रन ये और ये दोनों आपके पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट की तरह हैं, तो यहां से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जब निकलेंगे तो वो उनके बीच में इंटरफेरेंस होने के बाद आपका ये जो पूरे का पूरा स्क्रीन है इससे ब्राइट और डार्क पैचेस बन जाते हैं। मैं आपको अगर बता दूं थोड़ा सा, और ये आपका मान लीजिए स्क्रीन है वो इधर मैं बना के दिखा रहा हूं आपको, कहीं पे ये ब्राइट रीजन बन जाएगा और कहीं पे ये रीजन ऐसे डार्क बन जाएगा, फिर ब्राइट बन जाएगा, फिर ये डार्क बन जाएगा, फिर ये आपका जो है
इधर डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क. सो ये ब्राइट डार्क एंड ये आपका अगेन बेटे जो है, लेट मी रीनेम दिस बेटा, ये ब्राइट रीजन है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, और ये आपका डार्क, ये आपका ब्राइट, अगेन ये डार्क. तो ये स्क्रीन पे छोटे 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 पैचेस बन जाते हैं, कहीं पे बिल्कुल डार्कनेस आ जाती है, कहीं पे बिल्कुल ब्राइटनेस आ जाती है. असल में होता क्या है कि जो रीजन डार्क है, यहां से लाइट ब्राइट रीजन में शिफ्ट कर गई है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई है लाइट की. ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई है, इसी को आपने इंटरफेरेंस बोला था बेटा. मैं डियर चिल्ड्रन एक बार रिपीट करूं, फिर से समझिएगा, अदरवाइज अगर सीधी सीधी रेस चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, आपका पूरे का पूरा स्क्रीन ब्राइट है, उस पर लाइट पड़ रही है. अब दोनों सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज हैं, इनसे जो लाइट आपकी आगे आके मिल रही है, इंटरफेरेंस लाइट का हो रहा है. इंटरफेरेंस की वजह से कुछ हिस्से में से, स्क्रीन के कुछ हिस्से में से लाइट जो है दूसरे हिस्से में ट्रांसफर हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. ये जो फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट है ऑन अकाउंट ऑफ इंटरफेरेंस, ऑन अकाउंट ऑफ यूर टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, इसको ही आप इंटरफेरेंस बोल देते हो बेटा. लाइट की कहीं कमी नहीं हुई है, कहीं पे कोई लाइट एक्स्ट्रा भी नहीं आई है, खाली रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया है, लाइट ने अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया है. इसी चीज को आपने बेटे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है इसका नाम दे रखा है बेटे. तो डियर चिल्ड्रन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए हमें ये जो दोनों रेज आपकी पी पॉइंट पे मिल रही हैं, इनके बीच में पाथ डिफरेंस निकालना बहुत जरूरी है. आइए निकालें पाथ डिफरेंस कितना है दोनों रेज में, जो यहां से जा रही है और जो यहां से जा रही है. इट इज एस टू इंटू पी माइनस एस वन इंटू पी के बराबर का है. ये एस टू पी है, ये एस वन पी है. ये बेटे देखना जरा ध्यान से, ये डिस्टेंस, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो डी स्क्वायर, और ये बन गया एक्स यहां तक प्लस डी बाई टू, इसका स्क्वायर ऑल अंडर द रूट बन जाएगा. जरा चेक करके बताइएगा, ये डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू, इसका स्क्वायर, इसकी सारे की पावर वन बाई टू. डियर चिल्ड्रन ऐसा है बेटा, सारे बच्चे बेटा, माइनस एस वन इंटू पी, ये ट्रायंगल को देखिएगा, ये ट्रायंगल को, इसमें डी का स्क्वायर और ये पार्ट बन गया एक्स माइनस डी बाई टू. इट विल बी कैपिटल डी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू, इसका स्क्वायर ऑल अंडर द रूट. तो दिस इज हाउ यू आर टू कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस बेटा. सो डियर चिल्ड्रन, इसको पाथ डिफरेंस को निकाल के फिर हम देखते हैं कि हम अब कैसे कर सकते हैं. यहां से मैंने डी कॉमन ले लिया, इसमें से भी और इसमें से भी, और ये ब्रैकेट को मैंने ऐसे कर दिया. इट विल बी वन प्लस वन बाई डी का स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई टू, इसका स्क्वायर एंड इसकी पावर सारे की वन बाई टू. जरा चेक करिएगा बेटा, इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है. माइनस ये वाला साइन एस एच, अगेन वन, इसको बाहर निकाल दिया था आपने, डी का स्क्वायर एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर सारे की पावर वन बाई टू, और बड़ी ब्रैकेट यहां पे हमने क्लोज कर दी. सो बच्चों, अब आइए मैं डायग्राम वाला पार्ट रब कर देता हूं और चेक करें कि हम पाथ डिफरेंस बेटे कैसे निकाल सकते हैं. तो ये बेटे आपका जो पाथ डिफरेंस है डियर चिल्ड्रन, ये देखिए जी, आपने कैपिटल डी कॉमन लिया था. मैं यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा रहा हूं. इट इज वन प्लस वन बाई टू डी का स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई टू, इसका स्क्वायर माइनस वन माइनस वन बाई टू डी का स्क्वायर एक्स माइनस डी बाई टू, इसका कंप्लीट स्क्वायर. ये टू बाइनोमियल थ्योरम लगाने की वजह से यहां पे बेटे आ गया है. सो
वी मस्ट बी हैविंग, देखो वन आपका बच्चों कट गया, कैपिटल डी बाई टू डी का स्क्वायर, इसको भी मैंने बाहर एडजस्ट किया, एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी बाई टू इसका स्क्वायर, ये एक डी आपका बच गया, एक कट गया, वन बाई टू डी इट्स एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर प्लस एक्स इंटू डी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई फोर एंड माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू डी, ये डियर स्टूडेंट्स आपकी टर्म्स कैंसिल आउट हो गई हैं और हमारे पास क्या बच गया, आइए देखें एक बार, मैं टॉप पे लिख देता हूँ, थोड़ा मुझे बोर्ड छोटा लग रहा है देखने में, और चलिए नेक्स्ट टाइम फिर देखता हूँ, कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। पाथ डिफरेंस जो है दिस इज इक्वल टू वन बाई टू डी, ये पढ़ाई है सच, एक्स डी प्लस एक्स डी इज ट्वाइस एक्स इंटू डी, ये टू आपका कट जाएगा, पाथ डिफरेंस बन गया एक्स इंटू डी बाई कैपिटल डी, जो ये दो आपकी जो दोनों रेस पहुंच रही थी बेटा पी पॉइंट पर, उनके बीच में पाथ डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स हमने निकाला, ये बन गया एक्स इंटू डी बाई कैपिटल डी। यहां तक आपको अगर कोई पुत्र जी किसी को भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम वाली बात है तो बताइए, सो दैट कि उसको मैं एक बार रिपीट कर सकूं। ऑल ऑफ यू बेटा कोई बात आपको